ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, तुलसी का रस हाथ पैर पर लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटते हैं। नंबर दो, यदि सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा देसी घी डालने से सब्जी का तीखापन दूर हो जाता है। नंबर तीन, केले को हैंगर में लटकाने से केले ज़्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं और इसमें कालापन नहीं आता है। नंबर चार, यदि मीठे गुलगुले बना रहे हैं तो इसमें केले को मेल्ट करके आटे में ऐड करें, साथ ही इसमें एक से दो स्पून सूजी डालें, गुलगुले स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनेंगे। नंबर पाँच, यदि आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है और आपको भूख नहीं लगती और हमेशा पेट भरा हुआ महसूस होता है तो एक लीमू को चार भागों में काटकर एक हिस्से पर एक चुटकी नमक, दूसरे हिस्से पर काली मिर्च, तीसरे हिस्से पर मिश्री और चौथे हिस्से पर सौंठ लगाकर थोड़ा सा भून लें और खाली पेट चूसें। एक से दो घंटे के बाद खाना खाएं। एक हफ्ता ऐसा ही करें, आपके लीवर की प्रॉब्लम, गैस आदि समस्या ख़त्म होगी और भूख तेज़ी से लगेगी। नंबर छः, हाई बीपी वालों को यदि गोली खाने पर भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो सुबह शाम एक प्याज का रस निकालें, एक एक चम्मच दो टाइम पी लें, बीपी कंट्रोल में रहेगा। नंबर सात, यदि आपको चेहरे के दाग धब्बे दूर करना है, चेहरे को गोरा खूबसूरत करना है तो ताज़ा मलाई दार दही में हल्दी और बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा कि क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर आठ, यदि आपको पीरियड के समय शदीद पेट दर्द और कमर दर्द रहता है तो गुड़ और सौंठ के गोलियां बनाकर 3 दिन हर महीना खाएं, दर्द दोबारा नहीं उठेगा। नंबर नौ, यदि बवासीर की समस्या हो तो अमरूद की छाल को पनकुट्टी में कूटकर रोज़ाना नहार पेट एक चम्मच दूध के साथ पी लें। नंबर 10, यदि बेडशीट पुरानी हो गए हो और गल गए हो तो इसको फेंकने के बजाय पिल्लो कवर्स या कुशन कवर बनाने के काम में ले सकते हैं। नंबर 11, जिन महिलाओं और पुरुषों को किडनी की समस्या हो वो हरी मूंग दाल का सेवन करना बेहद खतरनाक साबित होता है और पेट फूलने और गैस जैसी समस्या भी हो सकती है। नंबर 12, यदि वज़न घटाना है तो नहार पेट शहद में नींबू मिलाकर गर्म पानी में ऐड करके पी लिया करें, पेट की फजूल चर्बी कम होगी। नंबर 13, गरीबों का सबसे बेहतरीन अनाज बाजरा है, यदि इसको रोटी बनाकर खाते हैं तो सेहत बनी रहती है और हर बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 14, यदि आलू का पराठा बना रहे हो तो इसके मिश्रण में थोड़ी सी कसूरी मेथी डालने से पराठा स्वादिष्ट बनता है। नंबर 15, पुरुषों में कमर दर्द और शारीरिक कमजोरी के लिए सिंघाड़ा किसी वरदान से कम नहीं होता है। नंबर 16, यदि आप सेब खा रहे हो तो इसको चाकू से काट कर नहीं खानी चाहिए, छिलके के साथ दांत से कतर कर सेब खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। चाकू से काटने से इसके प्रोटीन और विटामिन नष्ट होते हैं। नंबर 17, यदि आप उपमा बना रहे हो तो तड़के में राई, कड़ी पत्ता और चना दाल डालकर बनाएं और रवा भूनते समय इसमें देसी घी भी ऐड करें, उपमा स्वादिष्ट बनेगा। नंबर 18, गाजर का हलवा सर्दियों में खाने से शरीर को गर्मी देता है, यदि इस हलवे में चाशनी के साथ खोवा मिक्स करके बनाते हैं तो हलवा बहुत स्वादिष्ट बनता है। नंबर 19, खून की कमी होने पर चुकंदर और गाजर का जूस बनाकर पिया करें।
नंबर 20, कच्चा प्याज खाने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और शरीर की ब्लॉक नसों को खोलने में मदद करता है। नंबर 21, पका हुआ लाल अमरूद खाने से पेट साफ होता है और शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। गैस की समस्या वाले अमरूद का सेवन करना फायदेमंद होता है। नंबर 22, पेट में कीड़े होने पर पेठे का सेवन करना फायदेमंद होता है। नंबर 23, रात में सोने से पहले एक ग्लास दूध में एक चम्मच देसी घी डालकर पीने से थकान दूर होती है और गहरी नींद आती है। नंबर 24, दूध के साथ चिया सीड का सेवन करने से कमजोर हड्डियां मजबूत होती हैं। नंबर 25, जहनुम के लोग पेट के बल सोते हैं, इसलिए इस्लाम में पेट के बल सोने से मना किया है और इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 26, यदि गुर्दे में पथरी की समस्या हो तो सोते समय गुड़ वाला पानी पिया करें, पथरी टूटकर यूरिन के रास्ते से निकल जाती है। नंबर 27, पालक में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यदि टमाटर और पालक का एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो गुर्दे में पथरी आ जाती है। नंबर 28, थोड़े से सरसों के तेल में कपूर मिलाकर गर्म करें और घुटनों पर लगाएं, घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 29, जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं ये टोटका आबे हयात से कम नहीं। जब घर में महिलाएं आटा गूंथती हैं, कुछ पानी बर्तन में बच जाता है, वो फेंके नहीं बल्कि बच्चे को पिलाएं, जिससे बच्चा बिस्तर में पेशाब करना छोड़ देगा। नंबर 30, करेला खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए हानिकारक होता है।